सर आज जो है ये जयसवाल हॉल में आप आया है, यहाँ लसीकरण की शुरुआत की गई व्यापारियों को, तो इसका रिस्पांस कैसा है सर? यहाँ पर अभी आपने उद्घाटन किया। अच्छा, मैं आज चार पाँच जगह जाके आया, चार पाँच जगह लसीकरण की मुहिम जो चल रही है वहाँ जाके आया। बहुत अच्छा रिस्पांस है, व्यापारी बांधव जितने भी है वो भाइयों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छी तरह से अपने सारे डॉक्टर्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ में कंटिन्यूसली यहाँ है। मैं कहूँगा कि सभी नागरिकों ने लसीकरण जल्दी कर लेना चाहिए। दूसरा जो पहला लिया हुआ था, दूसरा जो 45 के बाद में होता है वो भी लेना चाहिए, और उसके बाद में 45 साल के ऊपर के जितने भी हैं उन्होंने लेना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये किया कि और थोड़ा सा कम करिए एज, तो वो कम अगर एज होने के बाद में, क्योंकि क्या अभी छोटे बच्चों में 17-18 साल के लोगों में वो भी हो रहा है, इसके लिए आप परमिशन दीजिए तो हो सकते हो परमिशन मिलेगी। लसीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लसीकरण का राजकारण भी कोई लोग कर रहे हैं, जैसे कि राजकारण जैसे कल और जगह की तरह राजकारण हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि किसी ने भी इसमें राजनीति नहीं लाना चाहिए, राजकारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ का प्रॉब्लम है। सभी हम लोग सारे लोग हेल्थ, ऐसा नहीं कि शिवसेना को होता नहीं, बीजेपी को होता है, MI को होता है, ऐसा नहीं है। सबको सबके जो हम लोगों ने केयर करना चाहिए, मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छी तरह से केयर करना चालू कर दिया। और अभी तो रोजे शुरू हो गए, लेकिन मैं कहूँगा कि रोजे में भी सबको शाम को 5 बजे से 8 बजे तक का फ्रूट वगैरह जो है अपन इफ्तार में जो खाते हैं उसके लिए उन्होंने परमिशन दी है। मैं कहूँगा कि ये धर्मनिरपेक्ष सरकार है और वो कारण से ये, लेकिन कोई लोग राजनीति कर रहे हैं तो उन्होंने राजनीति नहीं करना चाहिए। अपना हेल्थ का सब ख्याल रखना चाहिए, लोगों का हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, सब मिलके काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मतलब इसमें बोलने का मतलब। सर ये इंजेक्शन के बारे में भी थोड़ा ये हो रहा है सर? नहीं, इंजेक्शन के बारे में भी मैं, कालाबाजारी भी हो रही है औरंगाबाद में? नहीं, अपने यहाँ कालाबाजारी जो रोकी गई, कुछ लोग घाटी में से चुरा के लेके जा रहे थे उनको पकड़े गया, लेकिन अभी इतना सख्ती हो गई तो अभी काला बाजार में जरा कुछ होने वाला नहीं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।